हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप YouTube का दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम YouTube की दूसरी आईडी कैसे बना सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। अब यहाँ पे हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि हम YouTube का दूसरा अकाउंट कैसे बना सकते हैं, YouTube का जो दूसरा आईडी है उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन पे आ जाइए और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने फोन में यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है। ये हमने ओपन कर लिया है यूट्यूब ऐप को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ऊपर एक आपको प्रोफाइल का आइकन दिखाई देता है, ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पहले से ही एक अकाउंट है, लेकिन मुझे एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है, एक दूसरी आईडी बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड अकाउंट का, देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके पासवर्ड कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद इस तरह से आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे एक क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फॉर माई सेल्फ पे आपको नीचे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे आपका नेम हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं और नीचे लास्ट नेम दिया हुआ है, इसे आप छोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम डाल देते हैं लास्ट नेम में। और उसके बाद नीचे इधर नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे जेंडर सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा जो जीमेल आईडी है वो सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है, मतलब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं कोई भी, या फिर आप नीचे क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्लिक करके आप अपना खुद का जीमेल आईडी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, आप एक अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पे बना देंगे, तो चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड अपना क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया है, नीचे नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे और नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और यहाँ पे ये वेरीफाई अपने आप ही हो गया है क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर इसी फोन में लगा हुआ है। तो इस तरह से एक पेज खुल के आ गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको यस आई एम इन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है रिव्यू योर अकाउंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस दिखा रहा है, यहाँ पे ऊपर में नेम दिखा रहा है, हम इधर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं और प्राइवेसी एंड टर्म आ गया है, नीचे आपको बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करके जाना है और आई अग्री पे क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा और अब हमारा जो अकाउंट है दूसरा अकाउंट वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं ऊपर में प्रोफाइल फोटो पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा अकाउंट था वो यहाँ पे आ चुका है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो दोनों अकाउंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। नीचे ये वाला अकाउंट मेरा एक हो गया और एक ये अकाउंट हो गया, मेरा दोनों अकाउंट यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने YouTube का दूसरा अकाउंट, दूसरी आईडी बना लिया है।